A very good morning to all students and welcome to Edufly JEE NEET Prabal Batch. Like in previous class, I have discussed about the chapter 1, that is reproduction in organisms, and today I am going to discuss with you all sexual reproduction in flowering plants. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से समझना. फ्लावर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो बिफोर गोइंग टू द फ्लावरिंग प्लांट्स यू हैव टू नो कि सी, जैसे कि ये प्लांट है. ओके, कोई भी प्लांट, एग्जांपल कोई भी प्लांट लो. दिस इज द रूट पार्ट, ये रूट है ना, रूट. ये अबव पार्ट क्या होता है, इस पार्ट को क्या कहते हैं, शूट सिस्टम. ये पार्ट्स आपको जानना होगा, दिस आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. स्टेम होगा, फिर लीफ होगा, है ना, एंड देन फ्लावर होगा, है ना, फ्लावर होगा. रूट जो होता है वो ग्राउंड के नीचे, ग्राउंड में होता है, और शूट जो होता है अबव द ग्राउंड. सो दिस इज द शूट सिस्टम एंड दिस इज द रूट सिस्टम. रूट क्या करता है, वाटर एब्जॉर्व करके और बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाता है. रूट से धीरे धीरे जो लीफ तक जाएगा, और लीफ क्या करेगा, पूरे प्लांट को पहुंचाएगा. तो ये बेसिक जो एक एक प्लांट, जो कोई भी प्लांट, एनी प्लांट, किसी भी प्लांट के बारे में सोचोगे तो ये आता है आपके दिमाग में, ये बैठ जाता है. ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में. माय टुडेज क्लास विल बी अबाउट फ्लावर. क्या होगा, फ्लावर. यू ऑल नो ना, फ्लावर. फ्लावर कितना अच्छा लगता है देखने में ना, फ्लावर. लाइक देखो मेरे पास बहुत सुंदर फ्लावर, दिस इज हिबिस्कस. ओके, फ्लावर वी यूज लाइक इन अ सिंबल ऑफ लव, और यू कैन से रिलीजियस पर्पस के लिए, या एनी इफ यू आर हैविंग एनी फेस्टिवल इन योर होम और एनी फंक्शन, द फ्लावर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, एंड ऑल्सो फ्लावर्स का जो पार्ट होता है ना, फ्लावर्स जो होता है ना, वही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स का, फ्लावर ना. तो फ्लावर के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं आपको. व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर, फ्लावरिंग प्लांट्स आर, फ्लावरिंग प्लांट्स आर रिप्रोडक्टिव डोमिनेंट फॉर्म ऑफ लैंड, फॉर्म ऑन लैंड. फ्लावर्स जो हैं बहुत डोमिनेंट है लैंड पे. नेक्स्ट पॉइंट विल बी दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मींस. कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन हैपन्स विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअली. ओके, दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मींस. And you know, flower is the reproductive part of the plant. Okay, so flower is the reproductive part of the plant. Okay, is the reproductive part of the plant. सही है. So just note down the important points regarding flower. Okay, and also flowering plants are known as angiosperm. उसको क्या कहते हैं, flowering plants are known as angiosperms. Flowering plants are known as angiosperms. Okay, flower has both male and female gametes. Flower has both male and female gametes. Okay, I'll show you the LS section, that is lateral section of the flower, and I'll explain you each and every parts of the flower. Okay, flower has both male and female gametes. All the parts of the flower, jitne flower ke jo parts hai, sare hai, hai na,
सिपल है, पिटल है ना, ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर ईट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ऑल द फ्लावर पार्ट्स या ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर helps in the reproduction. Okay, although some of them are sterile, kuch flowers jo hote hain they are sterile, unko kisi ki help ki zarurat padti hai for the reproduction. Kuch flowers hote hain unme male gametes aur female gametes ek hi flower mein hota hai to reproduction bahut easy hota hai. लेकिन जिन जो स्टेराइल होते हैं, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो वो बाय विंड, बाय पॉलिनेशन जो क्या होते हैं वो फॉर्म करते हैं, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म होगा, पॉलिनेशन के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करेंगे. ओके, ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हेल्प्स द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, बट फ्यू आर स्टेराइल, कुछ स्टेराइल होते हैं. ठीक, सो ये सारे फ्लावर के बारे में. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द डायग्राम, एलएस सेक्शन ऑफ फ्लावर, जस्ट नोट डाउन इट. ओके, चलो, सो आई विल शो यू अ डायग्राम एंड आई विल एक्सप्लेन विद टू यू प्रैक्टिकली. मैं प्रैक्टिकली आपको सब कुछ समझाने वाली हूँ. ओके, तो फ्लावर का डायग्राम देखिए, बहुत इजी है फ्लावर. दिस इज द एलएस ऑफ लेटरल सेक्शन, लेटरल सेक्शन ऑफ फ्लावर. हम दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकली. तो दिस इज द डायग्राम. ओके, बहुत सिंपल मैं आपको ये डायग्राम बताती हूँ. ओके, और यहाँ होगा आपका, दिस इज ओवरी, देन दिस आर पीटल्स. ओके, देन दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, देन या और यहाँ पे कुछ एंथर है, एंथर है, ये है एंथर, एंड दिस थिन वन इज फिलामेंट. ओके, दिस थिन वन इज फिलामेंट, सही है. एंड फ्रॉम हेयर स्मॉल स्मॉल जो है क्या होते हैं, सिपल होते हैं, एस ई पी ए एल. चलो, नाउ विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ फ्लावर. सी, आई हैव दिस फ्लावर विद मी, दिस इज हिबिस्कस. सो दिस पार्ट इज पिटल, क्या कहते हैं इसको, पिटल. ओके, और ये देख रहे हैं आप, दिस द स्मॉल वन, दिस स्मॉल ग्रीन वन, दिस वन, दिस 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 वेरी स्मॉल वन, दिस इज सिपल, सिपल हो गया, पिटल हो गया. इसमें देखिए, दिस इज स्टिग्मा, स्टिग्मा. ईच एंड एवरी फंक्शंस में आपको बताऊंगी, पहले पार्ट्स जान लीजिए. स्टिग्मा है ये, ठीक है, ये देखिए स्टिग्मा. ये क्या है, ये वाला स्टाइल है, स्टिग्मा स्टाइल. और ओवरी अंदर है, मैं आपको फूल को तोड़ के बताती हूँ. सी, अगर हम फूल को, फ्लावर को ओपन करते हैं तरीके से, देन व्हाट यू विल सी इज, सी, ओके, सी, देखो, देख रहे हैं, सेपरेट करते हैं. अगर हमने स्टाइल को निकाल दिया, फिर हमने देखा कि इसमें बहुत सारे पार्ट्स अंदर छुपे हुए हैं. देखो, सी दिस, दिस इज द ओवरी. ओके, मैंने पूरे फ्लावर को तोड़ दिया और आपको दिखाने के लिए कि दिस इज़ द ओवरी पार्ट, कि ओवरी है. ओके, समझ में आ गया. चलो, सो फ्लावर का डायग्राम आपको क्लियर है. किसी प्लांट्स में जो होता है ना,
ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टाइल स्टिग्मा ओवरी. दिस इज द, मैं बताती हूँ, ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, दिस पार्ट इज फीमेल का है. बोला था ना किसी किसी फ्लावर में मेल और फीमेल गैमेट्स एक साथ रहेंगे तो उसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा. ये स्टिग्मा है जैसे मैंने फ्लावर में बताया, और ये जो है ना ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हैं, जैसे कि ये एंथर है, फिलामेंट है, ये दोनों जो है मेल ऑर्गन्स का जो पार्ट है वो है ना. चलो ये हो गया आपका एलिस ऑफ फ्लावर. एलिस मीन्स लेटरल सेक्शन. जब आप फ्लावर को कट करोगे तो ये दिखेगा आपको. दिस इज द कॉमन डायग्राम ऑफ फ्लावर. चलिए तो जस्ट रिमेंबर दिस डायग्राम एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल डिस्कस विद यू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ फ्लावर. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, उसके फंक्शंस क्या है. ठीक है, फ्लावर के बारे में हम पढ़ेंगे अभी. चलिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो फ्लावर पार्ट्स. माई टॉपिक इज फ्लावर पार्ट्स एंड फंक्शंस. फ्लावर के पार्ट्स एंड इट्स फंक्शन. चलिए फंक्शन सबसे पहले बात करते हैं कैलिक्स. फर्स्ट इज कैलिक्स. कैलिक्स इज कॉमनली नॉन एज सीपल्स. कैलिक्स नॉन एज सीपल्स. कॉमनली इसको क्या कहते हैं, सीपल्स. जैसे कि ये मैंने डायग्राम दिखाया था ना आपको, ये छोटे वाले है ना, ये छोटे वाले द स्मॉल वन, इसको कैलिक्स भी कहते हैं. कैलिक्स सीपल्स. ओके दिस इज नॉन एज सीपल्स. कैलिक्स को ही सीपल्स कहते हैं. एंड वॉट डज इट डू, द फंक्शंस इज प्रोटेक्ट्स द फ्लावर. जब वो फ्लावर एक कली होता है ना, पहले तो क्या होता है, बर्ड होता है. तो वट डज दैट डू, वो कैलिक्स है ना छोटा छोटा जो, वो बर्ड को प्रोटेक्ट करता है. इसी वजह से वो कैलिक्स का फंक्शन ही है टू प्रोटेक्ट द बर्ड. वट डज इट डू, इट प्रोटेक्ट्स द बर्ड ऑफ अ फ्लावर. जब कोढ़ी होता है, ये बर्ड होता है छोटा होता है, तो वो जो सीपल्स है ना वो प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को. ठीक है, नेक्स्ट इज कैलिक्स के बाद आता है कोरोला. कोरोला क्या है, दिस आर द ब्राइट एंड कलरफुल पीटल्स. पीटल्स का दूसरा नाम क्या है, कोरोला. दिस आर, जैसे कि देखा आपने ये पीटल्स हैं, बहुत ब्राइट कलर होते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कलर के फ्लावर्स होते हैं. दिस आर कलरफुल पीटल्स ऑफ अ फ्लावर. तो वो इतना कलरफुल होते हैं ना, विच अट्रैक्ट, ड्यू टू दैट इतना कलरफुल फ्लावर होते हैं ना, तो क्या होता है, इंसेक्ट एंड बर्ड्स गेट अट्रैक्टेड टू दैट फ्लावर. ठीक है, तो क्या होता है, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स गेट अट्रैक्टेड टू फ्लावर. क्या होता है, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं फ्लावर के प्रति, क्योंकि इतना सुंदर सुंदर फ्लावर है. नेक्स्ट पॉलिनेशन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, एंड दैट हेल्प्स द इन पॉलिनेशन. वो अट्रैक्ट कर जाते हैं तो फ्लावर से वो पॉलिन्स निकाल के, एंड देन वो दूसरी जगह पहुंचाते हैं, एंड दैट हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन. ओके एंड बर्ड्स हु आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. समझ में आया, कोरोला कलरफुल पीटल्स है और ऑफ ए फ्लावर है. इंसेक एंड बर्ड्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर, एंड इंसेक एंड बर्ड्स क्या है, वही एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है. ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं. चलो नेक्स्ट कोरोला हो गया. नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट एंड्रोसियम. एंड्रोसियम क्या होता है, एंड्रोसियम
दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. इसको क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. ओके, डन. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टैमेंस. एंड्रोसियम को स्टेमेंस कहते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बताया था आपको, ऐसे करके था ना, ये इसको कहते हैं स्टेमेंस. समझ में आया? इसको कहते हैं स्टेमेंस. ओके, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, है ना, स्टेमेंस कहते हैं इसको. एंड्रोसियम को स्टेमेंस भी कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा एंथर. एंथर इज फोर लॉब्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलन फॉर्मेशन. एंथर क्या है? दिस इज ए फोर लॉब्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलन. ओके, पॉलन फॉर्मेशन बेसिकली. चलिए लिख लीजिए, मैं आपको एंथर बताती हूँ. ओके, सी इसको स्टेमेन नहीं कहते हैं. स्टेमेन किसको कहते हैं? ये फुल पार्ट को स्टेमेन कहते हैं. ये पूरे को, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमेन कहते हैं. ओके, और स्टेमेन क्या है? स्टेमेन जो है, स्टेमेन दो पार्ट कंसिस्ट होते हैं. एक है ये जिसको कहते हैं एंथर, और एक ये है जिसको कहते हैं फिलामेंट. तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट है. इस पूरे को स्टेमेन कहते हैं, विच आई वॉज रॉन्ग अर्लियर, और इसको कहते हैं एंथर, और इसको कहते हैं फिलामेंट. सही, क्लियर? और जो होता है ना एंथर, क्या है? फोर लॉब्ड, यहाँ चार लोब होते हैं, ऐसे फोर लॉब्ड स्ट्रक्चर होता है जो पॉलन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. स्टेमेन जो होता है पॉलन फॉर्मेशन के लिए, पॉलन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. समझ में आ गया? एंड्रोसियम को स्टेमेंस कहते हैं. स्टेमेन के दो पार्ट है, वेरी इजी. एक एंथर है, फिलामेंट है. डन, समझ में आ गया आप लोग को? एंथर हो गया. अब बात करेंगे हम लोग दूसरे पार्ट की. चलो, एंथर हो गया. नाउ विल टॉक अबाउट फिलामेंट. इसके बारे में बात करेंगे हम. फिलामेंट. चलो, फिलामेंट क्या होता है? दिस अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. देखो, थ्रेड मतलब धागा की तरह है. कैसा है? दिख रहा है आपको? पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. क्या है? दिस आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ओके, कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर एंड दिस अटैच टू द एंथर एंड दे कीप एंथर इन प्लेस. देखो, फिलामेंट का काम क्या है? स्टेमन के साथ जुड़ा हुआ है और वो स्टेमन को एक ही जगह पे रखता है, यही उसका काम है. ओके, फिलामेंट का यही काम है. पतला फिलामेंट होता है, वो स्टेमन को एक जगह रहता, इधर उधर पॉलन को हिलने नहीं देता, स्टेबल रखता है. ओके, सो दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द
and they are attached to anther. कैसे? Attached to anther and it keeps the anther at same place. क्या होगा? And they keep anther in place. Okay? In place. चलो. So ये हो गया filament के बारे में. Male reproductive part का ये part है. Stamen के दो part, anther, filament. बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आपको याद रखना है. आप confuse नहीं करोगे male और female के reproductive part से. Okay? चलिए. ये काम क्या है इसका? फिलामेंट जो है एंथर को एक जगह रखता है. यही काम है फिलामेंट का, जो एंथर से जुड़ा हुआ रहता है. ठीक. चलिए, फिलामेंट हो गया, फिलामेंट इज डन. नाउ विल गो टू गाइनोसियम. अब हम फीमेल की ओर घूम रहे हैं. मेल का हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. First we'll discuss about gynoecium. Gynoecium क्या है? Also called carpels or pistils. These are female reproductive parts of the flower. इसको क्या कहते हैं? जैसे stamen को androecium जिसको कहते हैं, stamen male reproductive part of the flower. वैसे ही gynoecium को क्या कहते हैं? Female reproductive part of the flower. Female reproductive part of the flower. मतलब ये टर्मिनोलॉजी है. जैसे स्टेमन किस में था? एंड्रोसियम था ना. एंड्रोसियम में, एंड्रोसियम को स्टेमन कहते थे. ठीक उसी तरह गाइनोसियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है. एंड्रोसियम इज फॉर मेल, गाइनोसियम इज फॉर फीमेल. ओके. और इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. ठीक है, मैं इसको डायग्राम में दिखाऊंगी. थ्री पार्ट्स फीमेल का एंड विद फंक्शंस. ओके. चलिए, मेल हट गया, मेल इज डन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीमेल. तो गाइनोसियम है फीमेल का पार्ट, तो थ्री पार्ट्स होते हैं उसके. एक देखो, ये है ना जो मैंने दिखाया था आपको, यहाँ ओवरी होती है. ठीक है, दिस इज ओवरी. यहाँ स्टिग्मा होता है एंड दिस इज स्टाइल. मिडिल वाला, जैसा मैंने तो फ्लावर तोड़ दिया है, मिडिल वाला पोर्शन जो था वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है. अब हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट जो है वो है इट्स ओवरी. ओके, हम ओवरी स्टाइल स्टिग्मा के बारे में बात करेंगे. ओवरी क्या है? ओवरी इज अ चैम्बर वेयर ओव्यूल्स आर स्टोर्ड. ओव्यूल्स मीन्स एग्स आर स्टोर्ड. ओवरी इज द स्ट्रक्चर. ये जो ओवरी है ना, यहाँ पे फीमेल एग स्टोर होता है और फीमेल वेट करती है कि कब मेल गैमेट्स आएगा और कब फर्टिलाइजेशन हो. बगैर मेल गैमेट्स फीमेल अकेले फर्टिलाइज नहीं हो सकती है. डन. तो यहाँ पे क्या होता है? ओव्यूल्स. यहाँ ओव्यूल्स में ओवरी को अगर आप कट करोगे तो वहाँ ओव्यूल्स छोटे छोटे दिखते हैं और वहीं पे एग स्टोर होता है और वो एग वेट करता है मेल का कि मेल आके फर्टिलाइज करें. ओके. ओवरी इज द चैम्बर. एक चैम्बर है ओवरी वेयर ओव्यूल्स और यू कैन से ओव्यूल्स का मतलब एग्स आर स्टोर्ड. एग स्टोर होते हैं यहाँ पे ओवरी में फॉर फर्टिलाइजेशन. ओके. चलो, ओवरी हो गया, तो नोट डाउन कर लीजिए. और दो पार्ट है, नेक्स्ट इज ओवरी हो गया. अब हम बात करेंगे स्टिग्मा के बारे में. बात कर लेते हैं स्टिग्मा क्या है. स्टिग्मा इज अटैच्ड टू द टॉप ऑफ द कार्पेल्स. कार्पेल्स था ना प्लांट का, तो ये टॉप ऑफ द प्लांट है. इट इज अटैच्ड टू द, इट इज अटैच्ड टू द टॉप ऑफ द कार्पेल्स. एंड क्या होता है यहाँ पे?
pollens from other flowers land. दूसरे फ्लावर्स से जो पॉलेंस होंगे ना, वो ये तो फीमेल का पार्ट है, फीमेल का पार्ट है, तो ये जो स्टिग्मा है दूसरे प्लांट से अगर द पॉलेंस आए, जैसे कि जो मेल है, दूसरे प्लांट से पॉलेंस कौन ले आएगा, इंसेक्ट्स या बर्ड्स, कौन ले आएगा, इंसेक्ट्स और बर्ड्स. हु विल ब्रिंग दैट पॉलेंस, इंसेक्ट बर्ड्स, दिस इज द मोड, दे विल ब्रिंग द पॉलेन फ्रॉम अदर प्लांट. पॉलन क्या है, मेल है और ये फीमेल पार्ट है, दैट इज दिस इज स्टिग्मा. तो वट पॉलेंस विल डू, यहाँ पे आके वो स्टिग्मा विल वेट फॉर द पॉलन टू लैंड. स्टिग्मा वेट करेगी कि पॉलन आके यहाँ पे लैंड हो जाए, ताकि वो जाके ओवरी तक पहुँचा सके और उसका एग फर्टिलाइज हो सके. वेरी सिंपल राइट. तो क्या होता है, इट इज अटैच्ड टू द टॉप ऑफ कार्पल्स एंड where pollens from other plant land. Very simple. See, female has to wait for fertilization and male has to come through pollination and insects and birds are the mode, मतलब जरिया है जो लेके आएंगे pollens को, and this is the stigma that will wait for the pollen to land. पॉलन जैसे लैंड होगा, इट विल अटैच और वो सीधे नीचे ओवरी को ले आके फर्टिलाइज करा देगी. ओके चलो, सो दिस इज अबाउट स्टिग्मा. नाउ विल डिस्कस अबाउट द स्टाइल. चलो, स्टाइल क्या करती है, स्टाइल का क्या काम है, सारे फीमेल का ही पार्ट है. इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दिख रहा है आपको, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, पतला ट्यूब जैसे पानी का ट्यूब होता ना, कैसा स्ट्रक्चर है, इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, आप इसका फंक्शन देखिए क्या करता है, इट कनेक्ट्स द ओवरी टू स्टिग्मा. ओवरी से स्टिग्मा को कनेक्ट कौन करता है, स्टाइल. वेरी सिंपल, ओवरी से स्टिग्मा किसको कनेक्ट, कौन कनेक्ट कर रहा है, स्टाइल. इट कनेक्ट्स ओवरी टू स्टिग्मा. इतना तक क्लियर हो गया आप लोग का, वेरी इजी राइट. स्टाइल क्या करता है, स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है. चलिए, and it is responsible for transportation of pollens from stigma to ovary. जो मैंने अभी कहा, style जो है transport करेगा, जब यहाँ पर pollens आ जाएगा तो style क्या करेगा, उसको लेते हुए नीचे आएगा. तो functions क्या है इसका, it is responsible for transportation of pollens फ्रॉम, कहाँ से ले आएगा, स्टिग्मा टू ओवरी. पॉलेंस फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवरी. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल का पूरा फंक्शन बता दिया. स्टाइल क्या करता है, पॉलेंस को नीचे ट्रांसपोर्ट करते हुए ओवरी के पास ले आएगा, यहाँ पे एग स्टोर होगा. पॉलेंस जैसे आएगा, मेल गैमेट्स, जैसे कि पॉलेंस जो है, पॉलिनेशन जो पॉलेंस है वो आएगा, एंड देन इट विल फर्टिलाइज, और फिर फ्लावर होगा, फ्रूट्स होगा, एंड दैट प्रोसेस कंटिन्यूज. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज क्लास, दैट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का. वेरी स्टार्टिंग फ्लावर, सबसे पहले फ्लावर के बारे में आपको जानना पड़ेगा. अगर फ्लावर के बारे में नहीं जानेंगे तो बाकी पार्ट्स आपके लिए ईजी नहीं होगा पढ़ने के लिए. तो फ्लावर का सारे मैंने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आई हैव एक्सप्लेन यू इन प्रैक्टिकली मैंने आपको फ्लावर के थ्रू बताया है. ईच एंड एवरी पॉइंट्स आई हैव क्लियर्ड. ओके, सो द नेक्स्ट क्लास वील प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ये चैप्टर कंटिन्यू होगा, धीरे धीरे हम एक एक पार्ट को आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे. इफ पॉसिबल आई विल एक्सप्लेन विद यू प्रैक्टिकली, आई विल एक्सप्लेन प्रैक्टिकली टू यू. सो विद दिस आई हैव कंक्लूडेड टूडेज क्लास. So, thank you so much.